everyone, welcome back to a fresh new vlog. I hope everybody is doing good. So आज है Friday, the day when I usually vlog. मतलब मैं plan करके रखता हूँ कि Friday के दिन मैं vlog करूँगा and Friday को मेरे lectures नहीं होते but ये Friday थोड़ा डाइसी था because weather conditions यहाँ पे बहुत ज़्यादा change हो रहे हैं. मतलब दो दिन पहले हेल स्टॉर्म गिर रहे थे, उसके पहले बारिश हो रही थी, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड अभी सुबह इट्स प्लेजेंट राइट नाउ. मैं खड़ा हूँ लाइक अभी 11-12 डिग्री है, तो बहुत ही मतलब एब्रप्टली वेदर चेंज हो रहा है. मतलब इंसान तो यूँ ही बदनाम है, असली मूड स्विंग्स तो कुदरत के ही हैं. तो प्लान सिंपल है, अभी बस उठाऊँ मैं, फ्रेश होऊंगा, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम लोग हेवर्ड साइट सीइंग के लिए निकलेंगे. अब मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा बट स्टिल पूरा व्लॉग देखो एंड मुझे भी नहीं पता, मेरा भी फर्स्ट टाइम है वो जगह पे. मतलब व्हेन यू सर्च की प्लेसेस टू विजिट इन हेवर्ड तो वो टॉप 3 में आता है, तो आई सेड लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेल्स भी हैं जो मुझे करने हैं, बट द ओनली रीज़न कि मैं आज ट्रेल पे या हाइक पे नहीं जा रहा हूँ इज़ बिकॉज़ कि मुझे पता नहीं है कि वो एक्चुअली में मतलब रूट कैसा है. देर आर फ्यू माउंटेन्स हियर जहाँ पे यू कैन गो फॉर अ हाइक बट आई वुड प्रेफर टू डू दैट विद अ ग्रुप रादर देन गोइंग अलोन बिकॉज मुझे पता नहीं है. जो एक ट्रेल मैंने इसके पहले की थी, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो वो जाके देख के आओ. तो वो आई हैड अ ग्रुप विथ मी और वो काफ़ी ज़्यादा ओपन प्लेस है, तो मतलब वहाँ पर जा सकते हैं. अब यहाँ पर पता नहीं है कि मतलब कितना सेफ़ है कितना नहीं है, वाइल्ड लाइफ का क्या है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ तो यहाँ पर ओपन रहती है. मतलब डियर, रकून, ये सब तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, तो इट्स बेटर टू हैव अ ग्रुप. एंड फ्यूचर व्लॉग्स में येस आई विल बी गोइंग ऑन हाइक्स एज वेल बट करंटली तो मैं ग्रुप ढूंढ रहा हूँ. तो अगर आप हेवर्ड से हो और अगर आपको पता है कोई ग्रुप जो हाइकिंग पे जाता हो ऑन अ वीकली बेसिस तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके बताओ. एंड या सो दैट्स द प्लान फॉर द डे. तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं. आज शेव भी करना है, बहुत टाइम से किया नहीं है तो वो भी कर देंगे एंड देन निकलते हैं. बाय द वे एवरी मॉर्निंग मेरा यही रूटीन होता है, मैं उठता हूँ और पहले बाहर आता हूँ बिकॉज ये जो व्यू है आई लाइक टू स्टार्ट माई डे विद दिस व्यू और काफ़ी अच्छा लगता है. हाँ बारिश होती है तो मैं नहीं आता क्योंकि बारिश में ये यहाँ से सब पानी हमारे पैशियों में आता है तो तब प्लेजेंट नहीं होता इतना, और ठंडी भी होती है और पूरा पैर जम जाता है तो तब नहीं आता. बट हाँ अभी आज बारिश नहीं है, हल्का हल्का धूप भी निकला हुआ है तो सुबह सुबह बालकनी में आके थोड़ी देर खड़े रहना अच्छा लगता है. एंड अभी जाते हैं, थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट द डे. So this is the breakfast, peanut butter and bread plus black coffee. ये change होते रहता है, कभी कभी I don't drink black coffee, कभी normal coffee ले लेता हूँ या कभी कभी fruits खा लेता हूँ. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो साइकिल में चलती रहती है. तो yes, so far so good. breakfast कर लेते हैं and then फिर shave वेव करते हैं, नहाते हैं और फिर निकलते हैं. सो यस ऑल सेट, लंच भी हो गया है और अभी निकलते हैं. तो आई विल हैव माई रिस्ट माउंट एंड उससे व्लॉग करेंगे, तो हेलमेट पहन लेता हूँ एंड देन निकलते हैं. So reach the destination and this place is called Sulfur Creek Nature Center. और ये अगर आप लोग ने मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं जहाँ पहले रहता था डी स्ट्रीट पे, ये वहीं पे, मतलब अगर वहाँ से इट्स लाइक जहाँ पे मैं पहले रहता था इट्स लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये जगह। तो मुझे पता नहीं था, आज पहली बार ये जगह आया हूँ, पता इतना नज़दीक रहने के बाद भी कभी पता नहीं था कि यहीं पे है। तो अभी देखता हूँ एंट्री कहाँ से है और फिर स्कूटर वूटर लेके जाते हैं। सो दिस प्लेस बेसिकली इज़ अ रेस्क्यू सेंटर और यहाँ पे जो भी वाइल्ड बर्ड्स हैं, मतलब ईगल, स्पेसिफिकली ईगल, हॉक, आउल्स जो हैं वो अगर हेवर्ड में कहीं पे किसी को मिल रहे, देर इंजर्ड और समथिंग, तो उनको यहाँ पे लेके आते हैं एंड देन दे कीप देम हेयर। सो बेसिकली ऑल द बर्ड्स हेयर आर लाइक दे आर नॉट फिट टू स्टे इन द वाइल्ड, तो इसके लिए यहाँ पे रख के दे टेक केयर ऑफ देम। तो ये सल्फर क्रीक तो देख के हो गया। तो अभी यहाँ पे नीचे एक गोल्डन टी गॉल्फलैंड करके है, इट्स आर्केड प्लेस, तो वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो लगे हाथ तो अभी टाइम है और सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, तो उसके पहले जितना हो सके उतना घूम लेते हैं और आज टाइम भी है तो ये हो गया है। तो अब वहाँ पर चलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे गोल्फ खेलना है तो इट इज़ लाइक $15 पर पर्सन, और अगर आपको आर्केड खेलना है तो यू जस्ट हैव टू बाय अ कार्ड और उसमें आप जितना रिफ़िल कराओगे आप उतना खेल सकते हो अंदर। बट इतनी ज़्यादा गेम्स भी नहीं है, थोड़े ही मशीन्स हैं। बट यहाँ गोल्फ कोर्स बहुत बड़ा, तो कम से कम 18 to 20 अलग अलग गोल्फ कोर्स है यहाँ पे। तो अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं तो ऐसे आउटिंग करने निकला था देखने के लिए कि किधर क्या क्या जगह है। तो हाँ यस, आज सल्फर क्रीक देख लिया, ये गोल्डन टी गॉल्फलैंड देख लिया। अब बेसिकली थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ खाऊंगा पीऊँगा एंड देन विल हेड बैक होम। सो दैट वाज गॉल्फलैंड एंड ये कैस्ट्रो वैली के यहाँ पे आता है। तो ये तो हो गया देख के एंड अभी भूख लगी है तो आई फाइंड अ नियर बाय टाको बेल, वहाँ पे जाके खाएंगे। एंड ये शायद से अभी वेदर फोरकास्ट है कि बारिश होने वाली है, तो बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग मैं फटाफट टाको बेल जाता हूँ और फिर घर निकलते हैं। सो एक सवाल जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं, दैट इज़ अबाउट माई स्कूटर, कि आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 6 months नाउ एंड परफॉर्मेंस कैसा है एंड वुड आई रेकमेंड दिस स्कूटर और नॉट। तो आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्कूटर, बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि इसमें सिंगल मोटर है, इसमें डुअल मोटर नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अप हिल डाउन हिल करना है तो आपको डुअल मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने इसे अप हिल भी काफ़ी रगड़ा है। जब मैं मेरे प्रीवियस घर में रहता था तो वहाँ से आई यूज़ टू टेक इट अप हिल एंड इट वर्क्स फाइन। बट अब जब मैं नज़दीक हूँ तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं स्कूटर का, तो उसके लिए तो ये और भी अच्छा है। लाइक लिटरली इतना स्लोप है नहीं एंड मैन इट्स अ स्ट्रेट रोड, इट वर्क्स वेरी नाइस। एंड मेरा यूज़ रफ़ एंड टफ होता है, मतलब आज भी अगर देखेंगे तो आज भी मैंने मोर देन 10 miles जैसे चला है लिटरली, क्योंकि मैं निकला, पहले हम लोग गए सल्फर क्रीक, फिर हम लोग गए गॉल्फलैंड, उसके बाद एक टाको बेल गया। तो जो पहले, इसके पहले मैं एक और टाको बेल जाके आया, लेकिन वो क्लोज़ था, मतलब मैप्स में बता रहा था कि वो चालू था बट वो बंद था। तो मैं वहाँ गया, वो वहाँ बंद था, तो वहाँ से मैं दूसरे टाको बेल आया, तो उसमें भी मेरा हो गया। फिर गूगल मैप्स कभी कभी ऊपर नीचे कर देता, तो उसमें आपका हाफ एक माइल ऑफ बढ़ जाता है। तो आज भी रफ़ एंड टफ यूज़ हुआ है मेरा। एक चीज़ है कि यहाँ पे रास्ते सब बहुत अच्छे होते हैं, बट स्टिल व्हेन यू लाइक टेक द स्कूटर ऑन द फुटपाथ एंड देन बैक ऑन रोड, तो उसके बीच में भी काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है, उसके बीच में भी ये स्कूटर बहुत अच्छा चलता है। तो मैं तो डेफिनेटली ये रेकमेंड करूँगा, एंड मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बिकॉज लॉट ऑफ, आई थिंक लास्ट एक वीडियो में भी एक कमेंट आया था कि स्कूटर की लिंक दे दो, एंड इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग डीएम करते कि टेल अस अबाउट योर स्कूटर। तो डेफिनेटली मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे लेना है वो ले सकता है। और आई थिंक अभी इसका भी एक हायर मॉडल आया है एंड अराउंड सेम प्राइस पॉइंट पे, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो येस, थम्स अप फॉर स्कूटर। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप यूएसए में हो तो एक खुद का व्हीकल होना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो मैं कार या बाइक कुछ अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, बट एक स्कूटर हो या एक साइकिल हो या एक स्केटबोर्ड हो, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप कहीं भी जा सकते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे महंगे भी हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्लो। तो इट्स बेटर टू हैव योर स्कूटर, एंड यू नो आप आजू बाजू भी घूम सकते हो। अभी जैसे कि आज मेरे लेक्चर नहीं थे और आज मुझे थोड़ा यू नो चिल करना था, तो मैंने स्कूटर लिया और मैं बाहर आ गया। अगर आप आ रहे हो और स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली प्रेफर अ स्कूटर, एंड मैं लिंक इसकी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मेरा ऑर्डर आ गया, तो पहले मैं खा लेता हूँ एंड देन विल हेड होम। सो डन विद टाको बेल, और मैं निकल रहा था एंड ऑन द वे मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की शटल दिख गई, तो आई सेड कि बैठ जाता हूँ शटल में, तो उतना स्कूटर चला के जाना नहीं पड़ेगा। तो अभी बस बैठ गया और थोड़ी देर में भी घर पहुँच जाएंगे। घर जाके थोड़ा आराम करेंगे, फिर मस्त शाम को जकूज़ी में जाएंगे एंड देन विल कॉल इट फॉर द डे। बैक इन सिटी व्यू, एंड अच्छा दिन था, मतलब मेरी इसी एंड अच्छा क्लाइमेट। सो येस, इट वॉज़ अ गुड डे। एंड अभी एक्चुअली बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर में लोड कम होता है, तो असाइनमेंट मैनेज हो जाते हैं, बाकी सब भी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन एज एंड व्हेन सेमेस्टर प्रोसीड होगा आगे, वर्कलोड बढ़ जाएगा काफ़ी, तो तब आई डोंट नो कि किस हिसाब से व्लॉग्स कैसे आएंगे। बट ये अच्छा लगता है मुझे, व्लॉग बनाना अच्छा लगता है, कैमरा उठाना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, तो कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा डेफिनेटली। एक नया ऑब्सेशन जो मुझे लगा है वो है जकूज़ी का। तो यहाँ पे सिटी व्यू में वी हैव, यहाँ पे जो जिम है उसके पीछे एक जकूज़ी है, तो वहाँ पे मतलब गरम गरम पानी रहता है, तो अच्छा लगता है। एंड जाके एटलीस्ट हम लोग 30-35 मिनट्स तो उसके अंदर बैठ ही जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार। तो येस, आज भी वही प्लान है। तो अभी घर जाएंगे। आई डोंट नो इफ़ आई वॉन्ट टू वर्कआउट टुडे और नॉट, अगर देखूँगा घर जाके क्या मन हो रहा है। अगर वर्कआउट करने का मन हुआ तो जिम चले जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा और फिर जकूज़ी जाएंगे। तो देखते कैसा है क्या नहीं। चलो, सो आई कीप बाइंग समथिंग और द अदर फॉर गोप्रो, और ये मैंने एक वाटर प्रूफ माउंट लिया था, वो कब से यूज़ करना था लेकिन यूज़ करने नहीं मिल रहा था, तो आज अभी जकूज़ी में इसे यूज़ करूँगा। तो इतना एकदम क्यूट सा माउंट है, अगर आप देख सकते हो तो। येस, ऑल सेट। जिम तो नहीं जाना है आज, तो अभी डायरेक्टली जकूज़ी जाएंगे। सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, मस्त लाइटिंग रहेगी, जाते हैं आधा पौना घंटा जकूज़ी में बैठेंगे। चलो, सो दिस इज़ द पूल एरिया। ये जो पीछे मेरे है ये जिम है, दिस इज़ द सिटी व्यू जिम। ये स्विमिंग पूल है एंड वहाँ पीछे जकूज़ी है। तो इतनी ठंड में स्विमिंग पूल तो ऑफकोर्स कोई एक्सेस नहीं करता, क्योंकि हीटेड पूल नहीं है, बट जकूज़ी में लोग रहते हैं। फॉर्चुनेटली आज कोई नहीं है, तो आज हम लोग ही सबसे पहले होंगे, तो ठीक है। तो आज पहली बार एक्शन कैमरे को प्रॉपर यूज़ करूँगा, पानी के अंदर टेस्ट होगा। रविवार है, हाँ 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 हाँ। 3, 2, 1। थिंक ये व्लॉग के लिए इतना ही। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन था, साइट सीइंग हो गई, घूम के आ गए, माइंड फ्रेश हो गया एकदम। अभी जकूजी में बैठे हैं एंड आई थिंक आई एम इन अ वेरी गुड स्पॉट राइट नाउ एंड व्हाट बेटर देन दिस शुड बी द क्लाइमैक्स ऑफ द व्लॉग। तो ये व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू कॉमेंट योर थाट्स एंड लेट मी नो कैसा लगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।